तो बुद्ध ने बुद्ध को पूछा गया कि आपका ये धम्म है, ये हम लोगों को कैसे बताया? तो बुद्ध ने बताया, जिस भाषा में बच्चे को उसकी माँ बताती है, जिस भाषा में जो छोटा सा बच्चा होता है उसको उसकी माँ जैसे बताती है। कैसा? हमारी छोटी बच्ची है 2.5 साल की, तो वो पानी नहीं बोलती, मम बोलती है। हमको उसका मम समझ में आता है और उसका मम हमको समझ में आता है। वो खड़े होने के लिए वो कहती है डिगी हो जा, उसको समझ में आता है क्योंकि माँ की भाषा बच्चा समझ रहा। बुद्ध ने कहा ऐसी भाषा में समाज को बताओ कि आपको वो समझ में आ जाए। बुद्ध का धम्म इतना आसान है और वह आसान धम्म बुद्ध कौन है? महाचमारे क्या? महाचमार नहीं है भैया। तथागत गौतम बुद्ध राजपाट के घराने से आते हैं, राजाओं के घराने से आते हैं और वो जाति से शाक्य है, जिसे हम इधर कुनबी कहते हैं। इस देश के SC ST OBC को जाकर अगरबत्ती मोमबत्ती का काम नहीं बताना, बताना किस देश की वेदों की शास्त्रों की व्यवस्था ने तुम्हारे हक अधिकारों को छीना है। इन हक अधिकारों को मिलाना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, आध्यात्मिक क्रांति लानी होगी, ये बुद्ध ने बताया। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में उन्हीं भिक्खों की कत्लेआम हुई, और ना सिर्फ कत्लेआम हुई साथियों, जिन भिक्खों को मारा गया, जिन भिक्खों के गले काटे गए, मुंडिया तोड़ी गई, उन जिसने इसकी जिनकी जिनकी मुंडिया तोड़ी गई और जिसने तोड़ा उसे पुरस्कार दिया गया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। जिन भिक्खों ने आपके पीड़ा के लिए काम किया, आपको दुख तकलीफों से दूर निकालने के लिए काम किया, उन भिक्खों का कत्लेआम किया। अब ढूंढो। तो बाबा साहब ने बोले मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे कहाँ मरना है ये मैं निश्चित करके मरूंगा। तो मुझे कहाँ मरना है? मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू नहीं मरूंगा, ये बाबा साहब ने 26 साल पहले कहा। और फिर बाद में उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा। इधर सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी, उधर सवर्णों ने तलवारों की पूजा करना शुरू की। आज भी नागपुर के रेशम बाग में जिस दिन दशहरा हमने मनाया, जिस दिन हमने अशोक विजयादशमी दीक्षा भूमि में मनाई, उस दिन रेशम बाग में भी ब्राह्मणों ने शास्त्रों की पूजा की, शस्त्रों की पूजा की और तलवार और भालों की पूजा की, बंदूकों की पूजा की। कि आप क्यों धर्मांतरण की बात कर रहे हो? तो कांचीराम साहब ने कहा मेरे सपनों का भारत वही है जो सम्राट अशोक का भारत था, जब तलवार छूट चुकी थी और बहुजनों के हितों का, बहुजनों के कल्याणों का काम हो रहा था। और उन मनुवादी ताकतों को, उन मनुवादी ताकतों को जवाब देने के लिए हमको लाठी डंडे चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूकें चलाने की जरूरत नहीं है साथियों, अपने वोट के अधिकार के सही इस्तेमाल की जरूरत है। और वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कब होगा? जब हमारा समाज सभ्य हो जाएगा। बहुजन समाज विजन में सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज खासकर जिस मौके पर हम आपके बीच आए हैं, ऐसे पावन पर्व धम्म चक्र प्रवर्तन महोत्सव के मौके पर हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज बिरसोला ग्राम में हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं या इस बात को मनाया जा रहा है, इस त्योहार को मनाया जा रहा है, इस पर्व को मनाया जा रहा है कि हमने हिंदू धर्म से मुक्ति पाई और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। साथियों यही चीज हमारे इतिहास में 1956 में हमने देखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, त्याग दिया। इसी के पहले ऐसी घटना और हुई। इसके पहले घटना कौन सी हुई? तो इसके पहले घटना हुई सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक ने बहुत रक्त रंजित क्रांति की, खून बहाया, इतना खून बहाया कहते हैं कि खून की नदियां बही। और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने भी छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्ध के धम्म का स्वीकार किया। इसके पहले एक और घटना हुई और वो घटना हुई तथागत बुद्ध की। तथागत बुद्ध को सारनाथ में तथागत बुद्ध ने क्या किया? पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया। तो उसके पहले बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो सारनाथ जाते हैं, उन 5 लोगों को ढूंढते हैं कि किसको मैं बता सकता हूं, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उस ज्ञान को मैं किसे बताऊं। ये जब बुद्ध को सोच में आए तो वो सारनाथ पहुंचे। कहां से? बुद्ध गया से। और वहां जाकर उन 5 लोगों को बताया। क्या बताया? बुद्ध ने बताया कि भाई इस देश और देश के अंदर, दुनिया के अंदर दुख है। क्या बताया? दुख है। फिर बुद्ध ने बताया
दूर हो सकता है? बुद्ध ने बताया दुख दूर होने का क्या मार्ग है। और इसी के साथ साथ बुद्ध ने एक और बात बताई। बुद्ध ने क्या बताई दूसरी बात? बोले अगर आपका दुख दूर करना है और वो दुख आपका वैयक्तिक दुख है तो उस वैयक्तिक दुख को आप अच्छा बनके अपने दुख को दूर कर सकते हो। अच्छा बनके, क्योंकि बौद्ध धर्म को हमने स्वीकार किया तो स्वीकार करने के पीछे कोई मकसद था। क्या मकसद था? अच्छा बनना, सभ्य बनना। क्या बनना? सभ्य बनना, अच्छा बनना, यही मकसद था, दूसरा तीसरा कुछ नहीं था। अगर आपको अच्छा और सभ्य समाज निर्माण करना है तो आपको बौद्ध बनना है। बौद्ध बनना मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अंतरिक्ष में जाना और फिर अंतरिक्ष से वापस आना, ऐसा नहीं है। बौद्ध बनने के लिए बुद्ध ने बताया पांच शील, और बुद्ध ने कहा कि इन चीजों का पालन करोगे आपको सभ्य समझा जाएगा। सभ्य समझने का मापदंड क्या बताया? कि आपको सभ्य बनने के लिए पांच चीजों की जरूरत है। और तो उसके लिए पांच चीजें क्या है भैया जी? हिंसा नहीं करना है, प्राणियों की हिंसा नहीं करना है, जानवरों की हिंसा नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, इंसानों की हत्या नहीं करनी है। ये बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने बताया अधीनता, बोले चोरी चकारी नहीं करनी है। बुद्ध ने बताया लालच मोह माया नहीं पालना है, मोह माया से अलिप्त रहना है, लालच नहीं करना है, दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखना है। ये बुद्ध ने बताया। बोले सभ्य सभ्य हो जाओगे, सभ्य हो जाओगे आप अगर आप इनका पालन करो। फिर बुद्ध ने बताया काम वासना नहीं करना, दूसरों की महिलाओं की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना। ये बुद्ध ने बताया तो अच्छी बात है ना? गलत बताया बुद्ध ने? बुद्ध ने तो अच्छा बताया। क्यों बताया? क्योंकि अच्छा बनना है। बुद्ध ने चौथी बात बताई कि झूठ झपाट नहीं बोलना, किसी को फंसाना नहीं है। ये बुद्ध ने बताया। फिर बुद्ध ने बताया दारू पानी खर्रा गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू ये सब नहीं खाना है। बुद्ध ने ये बताया। क्यों बताया? बोले अच्छा बनना है। क्या बनना है? अच्छा बनना। और हम जो आज मना रहे हैं साथियों, ये जो त्योहार मना रहे हैं, ये जो पर्व मना रहे हैं, आप ये देख रहे हो, आपने नीली पताका लगाई, लाइटें जलाई, झंडे लगाए, ये पर्व इसी बात का है कि अच्छा बनना है और सभ्य बनना है। और इसी बात के लिए बुद्ध ने ये बात बताने की, उनको लगा अगर मैं बता दूंगा तो सामने वाला इसको समझेगा कि नहीं समझेगा और कितनी आसानी से बताऊं। तो बुद्ध ने आसानी से बताया। उस समय पाली भाषा चल रही थी तो पाली में बताया, और बुद्ध को पूछा गया कि कैसे बताए, तो बुद्ध को पूछा गया कि आपका ये धम्म है ये हम लोगों को कैसे बताए? तो बुद्ध ने बताया जिस भाषा में बच्चे को उसकी माँ बताती है, जिस भाषा में जो छोटा सा बच्चा होता है उसको उसकी माँ जैसे बताती है। कैसा? हमारी छोटी बच्ची है 2.5 साल की, तो वो पानी नहीं बोलती, मम बोलती है। हमको उसका मम समझ में आता है और उसका मम हमको समझ में आता है। वो खड़े होने के लिए वो कहती है डिगी हो जाओ, उसको समझ में आता है क्योंकि माँ की भाषा बच्चा समझ रहा। बुद्ध ने कहा ऐसी भाषा में समाज को बताओ कि आपको वो समझ में आ जाए। तो जितना आसान कर सकते हो बुद्ध ने बताया, भाई अच्छा बनना है, सभ्य बनना है, ये अगर आपको सभ्य बनना है, अच्छा बनना है, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। फिर बुद्ध ने बताया कि सामूहिक सुखों के लिए क्या करना है, बहुजनों के हितों के लिए क्या करना है, बहुजनों के सुखों के लिए क्या करना है। तो बुद्ध ने बताया इस देश के अंदर एक व्यवस्था ऐसी है, एक व्यवस्था ऐसी है वेदों की शास्त्रों की, उनका ये कहना है कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते। दुख दिया तुमको? दुख दिया? किसको दुख दिया? शूद्रों को दुख दिया, अति शूद्रों को दुख दिया, आदिवासियों को दुख दिया। कहा पढ़ लिख नहीं सकते, अज्ञानी रहना है। बुद्ध ने कहा ये तो दुख है समाज का, इसको दूर करना पड़ेगा। फिर बुद्ध ने बताया कि भाई यही जो व्यवस्था है वेदों शास्त्रों की, ये वेदों शास्त्रों की व्यवस्था आपको राजपाट नहीं करने देती, आपको राजा नहीं बनने देती, आपको नेतृत्व नहीं करने देती। बुद्ध ने बताया इसको बदलना पड़ेगा। फिर बुद्ध ने बताया कि भाई ये आपको अधिकारों से तो वंचित रखती ही है, साथ में लाचार बनाती है, क्योंकि आप नौकरी पानी रोजी रोटी व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते। ये वेदों की शास्त्रों की कहानी है, ये इन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाई। तो बुद्ध ने कहा इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। बुद्ध ने बताया कि ये यहाँ के तेली माली कुंडियों को गुलाम मानते हैं, इन ये गुलामी वाली मानसिकता को खत्म करना होगा। फिर बुद्ध ने बताया इस देश के अछूतों के लिए, बोले देश का महार चमार भांगी भंगी मेतर मातंग ये तमाम लोग गांव के बाहर रहते हैं, सड़कों पर चल नहीं सकते, इनकी
जाएगा, ये बुद्ध ने बताया। इनसे लोग नफरत करते हैं, रोजी रोटी बेटी तो दूर की बात है, इनके छाव को छाव में जाना पसंद नहीं करते। तो बुद्ध ने बताया मैत्री करुणा स्थापित होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मैत्री भाव निर्माण करना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, जो घृणा है, जो नफरत है, इसको खत्म करना पड़ेगा। फिर बुद्ध ने बताया इस देश के जो लोग घर गांव छोड़कर जंगल में चले गए हैं, उनको भी बुद्ध ने बताया कि ये भी दुखी है। तो बुद्ध ने देश के वेदों की शास्त्रों की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ एक नई व्यवस्था बताई। क्या बताया? जहां पर असमानता थी बुद्ध ने बताया समानता होनी चाहिए, जहां पर आजादी नहीं थी गुलामी थी बुद्ध ने बताया स्वतंत्रता होनी चाहिए, जहां पर अन्याय हो रहा था आपके साथ बुद्ध ने बताया न्याय होना चाहिए, जहां पर नफरत थी आपके साथ बुद्ध ने बताया भाईचारा मैत्री और करुणा निर्माण होनी चाहिए। ये बुद्ध का धर्म है आसान, इतना आसान। आप जाओ किसी भी धर्म की किताबों को उठाओ, अगर आपको एक बार में समझ में आ गए तो बता देना। बुद्ध का धर्म इतना आसान है, और वह आसान धर्म बुद्ध कौन है? महाचमार है क्या? महाचमार नहीं है भैया। तथागत गौतम बुद्ध राजपाट के घराने से आते हैं, राजाओं के घराने से आते हैं, और वह जाति से शाक्य है, जिसे हम इधर कुनबी कहते हैं, जिसे हम इधर माली कहते हैं, यहाँ माली कहते हैं। अगर आप पश्चिम महाराष्ट्र में जाओ तो वह पाटिल कहते हैं, कुनबी कहते हैं। तो क्या तथागत गौतम बुद्ध ने जो अच्छी बातें बताई मारो चमारो मातंगो मेतरों के लिए नहीं बताई, पूरे देश के लोगों के लिए बताई, उन लोगों के लिए जो तकलीफ में है, परेशान है, जिसे दिक्कत हो रही है, जिसे पीड़ा है। तो बुद्ध दुख हरता है, सुख करता है, दुख को दूर करता है, सुख देता है, वो बुद्ध है। और इसीलिए उन्होंने कहा ए भिक्षु, अगरबत्ती मोमबत्ती का काम नहीं बताना है लोगों को, जाकर इस देश के एससी एसटी ओबीसी को जाकर अगरबत्ती मोमबत्ती का काम नहीं बताना है, बताना कि देश की वेदों की शास्त्रों की व्यवस्था ने तुम्हारे हक अधिकारों को छीना है, इन हक अधिकारों को मिलाना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा, आध्यात्मिक क्रांति लानी होगी। ये बुद्ध ने बताया, बुद्ध ने बताया समानता स्थापित करनी होगी, और जो कोई असमानता को स्थापित कर रहा है उस व्यवस्था को खत्म करना होगा। बुद्ध ने बताया गुलामी की मानसिकता वाले लोगों को आजादी पर स्थापित करनी होगी, ये भिक्षुओं को बताया। और भिक्षु अपना झोला लेकर निकल गए, कोई बिरसोला गया, कोई बाजा टोला गया, कोई बाजार टोला गया, कोई काटी गया, और वो वहां जाके बताया। तो ये वही भिक्षु जो है वो कोई जापान गया, कोई थाईलैंड गया, कोई श्रीलंका गया, और बुद्ध का ये विचार लेके जब गया तो साथियों उस देश की समस्या खत्म हो गई। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में उन्हीं भिक्कों की कत्लेआम हुई, और ना सिर्फ कत्लेआम हुई साथियों, जिन भिक्कों को मारा गया, जिन भिक्कों के गले काटे गए, मुंडियां तोड़ी गई, उन जिसने इसकी जिनकी जिनकी मुंडियां तोड़ी गई और जिसने तोड़ा उसे पुरस्कार दिया गया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। जिन भिक्कों ने आपके पीड़ा के लिए काम किया, आपको दुख तकलीफों से दूर निकालने के लिए काम किया, उन भिक्कों का कत्लेआम किया। अब ढूंढो किसने किया वो कत्लेआम, कौन है वो लोग जिन्होंने भिक्कों को मारा, भिक्कों का सर्वनाश किया, बौद्ध धर्म को खत्म किया, और जिस अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिस सभ्य समाज के निर्माण के लिए जो भिक्षु संघ लड़ रहा था, वो कहां गए और किसने मारा? तो साथियों दो काम हमारे पास है, एक वो कौन लोग हैं जिन्होंने भिक्कों का कत्लेआम किया, और दूसरा वो कौन लोग हैं जो हमारे ही देश में रहे लेकिन हमारे नहीं हुए। मतलब एक दुश्मन को ढूंढना है, दूसरा गद्दार को ढूंढना है। साथियों बुद्ध के शरण में आया देवदत्त, देवदत्त आया और देवदत्त ने बुद्ध की दीक्षा ली, बाद में कहा मैं ही बुद्ध हूं, 500 भिक्कों को अलग करके कहा मैं ही बुद्ध, और फिर उसने चमत्कार बताया। बुद्ध ने बताया चमत्कार से कुछ नहीं होगा, लेकिन देवदत्त वो गद्दार है, देवदत्त गद्दार है, बुद्ध हमारा नेता रहा। साथियों वैसा ही सम्राट अशोक के काल में हुआ, और भिक्कों का नरसंहार करने वाला वो दुश्मन पुष्यमित्र शुंग निकला, जिसे आज के तारीख में वो लोग अपना महापुरुष मानते हैं, जो सवर्ण समाज देश का ब्राह्मण, देश का सवर्ण, देश का क्षत्रिय उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने भिक्कों की कत्लेआम की, ना सिर्फ कत्लेआम की बल्कि उसके बदले में सोने की मोहरें।
ये दूसरी क्रांति हो। तीसरी क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर इनको बौद्ध धर्म का स्वीकार करना था, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे तुम्हारे जैसे अछूत जाति में पैदा हुए, तो बाबा साहब ने पहले ही बताया कि भाई मैं हिंदू पैदा हुआ मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि पैदा होना तो हमारे हाथ में है क्या, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, पैदा होने वाला जो सिस्टम है माँ बाप के हाथ में है, तो मैं कहाँ पैदा होऊंगा हमको कोई पूछता भी नहीं। भाई स्नेहा तुमको किस घर में पैदा होना है, मिश्रा के घर में, दुबे के घर में, चतुर्वेदी के घर में, मेसराम के घर में, गढ़पाले के, बागड़े के घर, पूछता है क्या? तो बाबा साहब ने बोले मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे कहाँ मरना है ये मैं निश्चित करके मरूंगा। तो मुझे कहाँ मरना है, मैं हिंदू पैदा हुआ हिंदू नहीं मरूंगा, ये बाबा साहब ने 26 साल पहले कहा, और फिर बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब 14 तारीख चुनी, 14 तारीख जो कल गई, हमारे लोग इसी विवाद में हैं कि बाबा साहब ने बोले 14 को लिया, फिर दशहरे में क्यों जाते हैं, फिर अशोक विजयादशमी क्या है, फिर धम्म चक्र क्या है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। हम पत्रकार है और हम लोगों से पूछ रहे कि आप क्यों आए। तो साथियों आज हम 68 साल के हो गए बुद्ध बने, हमको 68 साल हो गए, लेकिन हमारा यही कंफ्यूजन नहीं हट रहा है, तो बताओ हम कैसे सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। और जब अगर हम सभ्य नहीं बने तो कौन सा ओबीसी हमको देखकर बुद्ध धर्म का स्वीकार करेगा, कौन सा आदिवासी हमको देखकर बुद्ध धर्म का स्वीकार करेगा। हमको तो पहले बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, मॉडल दिखाना पड़ेगा कि ऐसे बुद्ध होते हैं, और वही बताना अगर हमारा काम है तो साथियों हमको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना है तो कब लेना है, तो बाबा साहब ने डिसाइड किया कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो दिन आज के तारीख में इस देश का सनातन हिंदू दशहरा करके मनाता है। तो बाबा साहब ने कहा इस दशहरे को देखो, उधर सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी, यहाँ पर शस्त्रों की पूजा होती है, होते का ना है, तुम्हें भी लाओता लावा तो साल पावसी ले टिक्का गाड़े ले टिक्का लावता का ना है, सांगा झूठनों को बोला सब लावता अनाजुनी जे जे आय का तस्ती ते भी लावता, ये ले टिक्का लावा, ते ले टिक्का लावा, गाड़ी ले लावा, साइकिल ले लावा, हार चढ़वा, आकाई मामला न से मामला कसा है। इधर सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ी, उधर सवर्णों ने तलवारों की पूजा करना शुरू की। आज भी रामपुर के रेशम बाग में जिस दिन दशहरा हमने मनाया, जिस दिन हमने अशोक विजयादशमी दीक्षा भूमि में मनाई, उस दिन रेशम बाग में भी ब्राह्मणों ने शास्त्रों की पूजा की, शस्त्रों की पूजा की, और तलवार और भालों की पूजा की, बंदूकों की पूजा की। ये प्रतिक्रांति है कि आप अच्छा करोगे वो बुरा करेंगे, इन्होंने तलवार छोड़ी, उन्होंने पूजा कर ली। तो बाबा साहब ने कहा अब हम इसको क्या करेंगे, वापस अच्छा ही बनाएंगे। और इसीलिए फिर उन्होंने 2500 साल जब हुए तो बाबा साहब ने देखा वो दशहरा कब आ रहा है, 1956 को 2500 साल हुए, तो बुद्ध ने बाबा साहब ने डिसाइड किया कि 2500 साल इस दिन खत्म हो रहे हैं, तो इस दिन अब हमने क्या करना चाहिए, बुद्ध धर्म का वापस स्वीकार करना चाहिए जब सम्राट अशोक ने किया था। तो जब अशोक का विजयादशमी इन्होंने दशहरा करके मनाया, तो बाबा साहब ने उसको वापस अशोक विजयादशमी को धम्म चक्र प्रवर्तन में, अनुप्रवर्तन में उसको क्या किया, तब्दील किया। और तब जाकर उस समय वो दशहरा 14 तारीख को आया, कहा चलो कते तीच लड़ू रहे, हमें 14 ले जाओ, तुम्हें 12 ले गए, हमें 16 ले जाओ, यही लफड़ा चल रहा है। हमको या तो पहले सच पता करना है और फिर उसके बाद में उसको स्वीकार करना है। तो बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का मामला ऐसा है, यही पर सिखो धर्म है, बुद्ध ने बताया, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, तुम मत मानो। उन्होंने कहा ये यही पर सिखो धर्म है, आओ पता करो, आइडेंटिफाई करो, चेक करो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है तो ले लो, गलत लग रहा है तो चले जाओ, ये बुद्ध ने बताया। तो साथियों ये धम्म चक्र प्रवर्तन वाला जो मामला है ये हमको अच्छा बनाने के लिए है। जब हम मान्यवर कांशीराम साहब की बात करते हैं, कांशीराम साहब तो मालूम है ना, अरे है कि नहीं मालूम, बहन मायावती मालूम है, कांशीराम साहब मालूम है, पक्का मालूम है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने उन 2006 में एक टारगेट सेट किया और उन्होंने ये चीज कही
कि इस देश के अंदर जातियों को खत्म करना है तो जाति के बीच को खत्म करना है तो धर्मांतरण करना होगा। और धर्मांतरण करके सम्राट अशोक ने जैसा तलवार छोड़ दिया बुद्ध के धम्म का स्वीकार किया और फिर ओबीसी की सरकार है। किसकी सरकार है? सम्राट अशोक का महार मांग होता का? वो महार चमार मांग बेहतर नहीं था? अरे वो मौर्य था, किसान। आज हम जिसको पटेल बोल रहे हैं, आज हम जिसको पटेल बोलते हैं अपने गांव में, वो भी पटेल आदमी। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, ओबीसी आदमी है, और फिर उसने सुजलाम सुफलाम इस देश को बनाया, सोने की चिड़िया बनाया, इस देश के अंदर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का राजपाट लाया। और जब मान्यवर कांचीराम साहब से पूछा गया कि आप क्यों धर्मांतरण की बात कर रहे हो, तो कांचीराम साहब ने कहा मेरे सपनों का भारत वही है जो सम्राट अशोक का भारत था, जब तलवार छूट चुकी थी और बहुजनों के हितों का, बहुजनों के कल्याणों का काम हो रहा था। और साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा वो सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत, ताकतवर भारत, प्रशिक्षित भारत, पढ़ा लिखा भारत, मजबूत भारत, ऐसा बनाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। उसी सपने को पूरा करने की बात मान्यवर कांशीराम साहब ने की। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो बताओ इस देश के अंदर ऐसी कौन सी पार्टी है जो आपकी हक अधिकार की बात करता है और आपके बाबा साहब के सपने को साकार करने की बात करती है? कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो ये कहे डंके की चोट पर कि हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं, हम सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते हैं? साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब का सपना है जिसका उद्देश्य लेकर बहुजन समाज पार्टी चलती है। चूंकि इस देश के आपको लगेगा कि धम्म का मामला है, राजनीति कहां से आ गई, तो आप जो खाना बना रहे हो ना, आप जो खाना बना रहे हो वो आपके खाने में क्या बनेगा ये भी राजनीति डिसाइड कर रही है। आपका लड़का कल क्या बनेगा ये भी राजनीति डिसाइड कर रही है। आपका समाज सभ्य नहीं बनेगा ये भी राजनीति डिसाइड कर रही है। कैसे सभ्य नहीं बनेगा? अब इलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इलेक्शन? अब दारू की पेटियां कौन से मोहल्ले में जाती है ज्यादा? अरे सभ्य समाज की बात कर रहे हैं हम, सभ्य बनना है तो महार मांगो चुमारों के मोहल्ले में ज्यादा जाती है, सबको मालूम है। गोपाल अग्रवाल को मालूम है जी, विनोद अग्रवाल को भी मालूम है कि किधर भेजना है। तो सभ्य समाज का अगर हम निर्माण कर लेते तो गोपाल अग्रवाल विनोद अग्रवाल की पेटी अंदर नहीं आएगी ना, अपने नवरेले भी सामने डाल आली तक खबरदार घर अपना भेजो। बता रही हूं क्यों? क्योंकि अगर इस आदमी का एक वोट है तो औरत का भी एक वोट है कि नहीं? मांग 365 दिवस बिल्कुल नवराची आय खाती नहीं, मतलब 64 एक दिवस तुम आज एक भी पूरे 364 दिवस मी तुझे आएगी, बिल्कुल दारू पीना नहीं और ना गोपाल अग्रवाल की अंदर आएगी पेटी मोहल्ले में और बौद्ध के मोहल्ले में दादा नहीं चाहिए। लेकिन हम सुधरे नहीं ना, हमने सभ्य समाज बनाया क्या? तो हम अगर फेल हो रहे हैं तो साथियों इसका नुकसान माँ बाप का नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे बच्चे दिख रहे नहीं है छोटे छोटे, इनका नुकसान हो रहा है। आज के तारीख में हम बहुत इतराते थे, क्या इतराते थे? भारत माजा देश है, इतराते थे भारत माजा देश है क्योंकि मेरा देश है, वोट का अधिकार मेरा है, नौकरियां मेरे को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब मेरा बाप है, हम इतरा रहे थे। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कहा अब तुमको रिजर्वेशन संविधान नहीं देगा। कौन देगा? जो मुख्यमंत्री बनेगा वो देगा। अब मुख्यमंत्री तुमको क्यों देगा जी? अभी तुम्हारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, अभी तो नहीं है, चलो आज से खत्म। लेकिन अब तक जो एकनाथ शिंदे था वो आपको देगा। आपने कभी शिवसेना को वोट दिया नहीं, भाजपा को वोट दिया नहीं, दिया क्या नहीं पता, किसी ने दिया होगा तो हाथ ऊपर कर लो, दिया क्या? जहां तक मेरी जानकारी है जय भीम वाले उधर वोट नहीं मारते, मारते क्या? जय भीम वालों का वोट मेरे को मालूम है किधर पड़ता है, किधर पड़ता है मेरे को मालूम है किधर पड़ता है, बिगड़ गया तो किधर पड़ता है, सुधर गया तो किधर पड़ता है, ये भी मालूम है। तो जय भीम वाले तो भाई शिवसेना को वोट देते नहीं, जय भीम वाले तो भाजपा को वोट देते नहीं, तो ऐसे में वो तुमको अधिकार देंगे क्या? वो तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे क्या? तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल फ्री करेंगे क्या? तुम्हारे बच्चों के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के रास्ते खोलेंगे क्या? नहीं बने, नहीं खोलेंगे। चूंकि ये पहले संविधानिक अधिकार रहा
तो संविधानिक अधिकारों को लड़ झगड़ कर हम मांग रहे थे। और ये बताओ, जिस अधिकार के लिए अभी 2024 में हमने पिछले बार अप्रैल में हमने वोट किया, काय के लिए वोट किया, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बराबर है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा तब हमने वोट किया, तो हमको क्या बताया, संविधान खतरे में है, क्या बताया, अरे सांगला का नहीं, सांगला लाल किताब धरून फिरत होता का नहीं, राहुल गांधी नावाचा पोरगया फिरत होता का नहीं, तो एक हाथ में लाल किताब लेके घूम रहा था, एक हाथ में बाबा साहब की फोटो लेकर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था वो बागड़े का बच्चा है, ऐसा लग रहा था वो गढ़पाले का बच्चा है, ऐसा लग रहा था वो मेसरम का बच्चा। भाई बाबा साहब और संविधान को अब अटपना समझने वाला कौन है, अभी तो हम ही है ना, अभी तो हम ही है, लेकिन राहुल गांधी लेके घूम रहा था और हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल रहा था। साथियों, उसने जो किताब हमको दिखाई, कम से कम एक पन्ना पलट लेता उसको समझ में आता हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन उसने पढ़ा नहीं, बिना पढ़े किताब लेके घूम रहा था। और हम चलो का लागला कितनी साज रहा है, एवडा चांगला राहुल गांधी बापा बापा गोरा भररत है, कान कसा ना रही इटली ची नवा जी मां बजा टोले जो है इटली जो है ना जी, तो इटली की माँ है और उसका बाप भी भाई एसी में रहने वाला चांदी के चम्मच से खाना खिलाते थे, बोले उस किसके आजे को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो हमको लगा इतना अच्छा लड़का और पूरे पैदल चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, बाबा साहब का संविधान लेके चल रहा है, बोल रहा मैं संविधान बचाऊंगा। हाँ जी, 50 साल तक उन्होंने राज किए, तुमको नौकरियां नहीं दी, नौकरियां दे रहता था हम चाल कसी रहती का, तो गोपाल अग्रवाल ना वैनोद अग्रवाल की हिम्मत होती का, मोल लेते हुए नौकरी वाले जो मोल लेते जाते थे ना जब, तो हमको गरीब रखने का सिस्टम, हमको फुकट के अनाज देने का सिस्टम इंदिरा गांधी ने लाया, हमको नौकरी नहीं देने का सिस्टम इंदिरा गांधी ने, उसके बाद में इनके परिवार की जब जब सरकार बनी इन्होंने हमको अधिकार नहीं दिए, इन्होंने हमको कंट्रोल के चावल दिए, कंट्रोल का राशन दिया, अरे काय को दे रहे हो तुम, अभी लाडली बहन दे रहे भाजपा वाले, तुम क्यों दे रहे हो, अरे हमारे बच्चों के लिए मुफ्त में इंजीनियर बनाओ, 0 रुपए पे मेरे बच्चों को अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो वो विकास है, हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाएगा तो हम काय को इनके लिए इनके इनके आगे पीछे घूमेंगे, चावड़ी दे दो, अरे हमें बनाओ टाकन दुद्ध बिहार, हम घूमेंगे क्या, लेकिन वो हमको लाचार बनाना चाहते हैं और हम सभ्य बनाने के लिए आपको आए हैं, हम चाहते हैं कि बहुजन समाज ये लाचारी छोड़ दे, इनके इल्लर चिल्लर नेताओं के पीछे घूमना छोड़ दे और अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने नेता को पहचानो, अपने विचारधारा को पहचानो, अपने पार्टी को पहचानो, अगर आप ऐसा करते हो तो ही बात बनेगी वरना नहीं बनेगी। साथियों, 50 साल हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट मारा, कहा माजा पंजा, मेरा पंजा, मावा पंजा, ये कह कह कर कांग्रेस को वोट मारा, उसके पहले गाय बछड़े को वोट मारा और हमारी पीढ़ियों को हमारे भविष्य को बर्बाद किया। आज के तारीख में बीजेपी आई, बीजेपी ने अच्छे दिन बताए, बताओ अच्छे दिन आपके, पेट्रोल आपका 100 के पार जा रहा है, आज आपके सरकारी स्कूलों को ताले लग रहे हैं और ऐसे में आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, जिसके पास पैसा है वो उनके बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब तो आरक्षण खत्म हो रहा है तो अब हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में भी नहीं जा पाएंगे, प्राइवेटाइजेशन आ गया, अब कंपनी में 5-5 हजार 10-10 हजार से नौकरियां करना पड़ रहा है, घर छोड़कर बंबई जाओ दिल्ली जाओ 10 हजार कमाओ, खावा पीवा लेते कि 10 हजार रुपया ढूंढा ले, भाई बापा ले का पाठवल जी, मैं भाई को लेकर पाला चाहे। तो ऐसे में हमारी जो समस्या है जिसको कांग्रेस ने बढ़ाया था भाजपा भी बढ़ा रही है, अन्ना बस 1.5 हजार रुपया हम क्या खाते थे ना, हमारे बड़ी खुशी थे आली का ना रक्षाबंधन लिए उनके लिए पट से आले, आता दिवाळी देतील भाऊ बीजे ना तुमच्या भाऊ मध्ये देवेंद्र फडणवीस, अरे ज्याच्या बाप दादा ना आमच्या घरामध्ये घाडग बांधला, ज्याच्या बाप जिनके बाप दादा ने हमारे कमर के पीछे झाड़ू लगाया वो अब हमको कह रहा है लाडली बहन, अरे काय की लाडली बहन, इंजीनियर बनाओ हमारी बेटियों को, डॉक्टर बनाओ हमारी बेटियों को, फुकट में बनाओ, ऐसी कॉलेजों का निर्माण करो, ऐसी स्कूलों का निर्माण करो, ऐसे अस्पताल बनाओ कि सीजर बजाटोल काटी में हो जाए, सीजर कराने गुंजे ले जाता का नहीं जाता, सीजर कराने
की सुविधा हो। फोन किया तो एम्बुलेंस आनी चाहिए, ये हमारा विकास है। हमारे हमारे पास डॉक्टर होने चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए और इलाज होना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, ये विकास है। लेकिन 1500 रुपए देना मन लगाला, 1500 रुपए देकर कह रहे कि यही विकास है। तो साथियों, विकास का पैमाना अब हमको तय करना होगा। विकास का पैमाना है इस देश के अंदर जिस बनुवादी व्यवस्था ने कहा ज्ञान सत्ता धन से दूर रखना है, किसको? शूद्र अति शूद्र को, SC ST OBC को। हमको वो अधिकार चाहिए जो बुद्ध ने कहा कि आप ज्ञान में प्राज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, सत्ता भी प्राप्त कर सकते हो, धन भी प्राप्त कर सकते हो। यही उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी का है कि सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मार्ग लेकर, आर्थिक मुक्ति का उद्देश्य लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में घूम रही है। वही सपना लेकर जो सम्राट अशोक का भारत था। हाँ, ये जो इलेक्शन होते हैं ये रोड रस्ते नाली पुल और पुलिया ढोड़ों के लिए नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन होता है ज्ञान सत्ता धन पर किसका कब्जा होगा, कौन ज्ञान सत्ता धन पर कब्जा कर पाता है। आज तक हमने देखा 70 सालों का जमाना हुआ, सवर्णों का कब्जा रहा और हमारे बच्चे आज भी बेरोजगार है, आज भी हम गरीबी और लाचारी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, अब जो इलेक्शन होगा वो आपके प्राथमिक जरूरतों को पूरे करने के लिए है कि भाई आपको रोजी रोटी रोटी कपड़ा और मकान जो है वो मुहैया कराना इस देश के और इस राज्य की सरकारों का काम है। लेकिन वो हमको घरकुल में उलझा के रखते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते। ये षड्यंत्र, ये साजिश अगर हमको समझ में आ गई, हम अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे और उन मनुवादी ताकतों को जवाब देने के लिए हमको लाठी डंडे चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूकें चलाने की जरूरत नहीं है। साथियों, अपने वोट के अधिकार के सही इस्तेमाल की जरूरत है और वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल कब होगा? जब हमारा समाज सभ्य हो जाएगा, बुद्ध को मानना शुरू कर देगा, बुद्ध के विचारों पर चलना शुरू कर देगा, बुद्ध के साथ ईमानदारी, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ईमानदारी, महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ ईमानदारी, छत्रपति शाहू जी महाराज के साथ ईमानदारी, अरे जिन्होंने अपने बाल बच्चे खोए, अपने बीवी को खोया, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जिनके बच्चों को दफन करने के लिए कफन जिस बाबा साहब को नसीब नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि वो हमें सभ्य बनाना चाहते थे। और अगर हम सभ्य नहीं बना रहे हैं तो वो चार चार बच्चों को मौतें याद करो, उन चार चार बच्चों की मौतें याद करो, रमेश की याद करो, इंदु की याद करो, राजरत्ना गंगाधर की मौतों को याद करो। एक माँ की कोख से चार चार बेटे जा रहे, अरे हम जब मिसकैरेज झले तो हम चल लड़ना था भी, हम ची नवी नवी पोर गए थे दिला समझे ना, नतीजा मिसकैरेज झले थे कैसे लड़ते, पोर का पाते कहते कुना झगड़ा से रहते का नहीं तरी लड़ते। अंत्या माएचा, अरे चार चार बच्चे खोए उस औरत ने, उस माता ने, ले और ये इसलिए खोए कि हमारा समाज सुधर जाएगा, सभ्य हो जाएगा और देश में ज्ञान सत्ता धन में धन का हिस्सा लेने की बात करेगा। चावड़ी बुद्ध विहार और घरकुलों की बात नहीं करेगा, बड़ी बात करेगा जिसके लिए इस देश का संविधान बना हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, इसके लिए भिक्खुओं के कत्लेआम हुए, इसके लिए सम्राट अशोक का नाती मर गया, इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले के घर परिवार के बच्चे भीख मांग मांग कर जीते रहे, और इसी आंदोलन के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपना खजाना खाली कर दिया। साथियों, ये तमाम महापुरुषों का त्याग है जो आज हमको दिख रहा है। अगर इस त्याग को हम चीज करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इन तमाम महापुरुषों के त्याग और बलिदान को अगर जाया नहीं जाना है, समाज को सभ्य बनाओ, बच्चों को सभ्य बनाओ, अपने आदमी को सभ्य बनाओ और उस अच्छा समाज निर्माण करो, ईमानदारी बरतो मूवमेंट के साथ, ईमानदारी बरतो अपने आंदोलन के साथ, और इस समाज को शासन सत्ता में लाने के लिए माताओं, गुलाम माँ गुलाम बच्चे पैदा करती है, और जो माँ राजपाट के बारे में सोचती है वो शिवाजी और छत्रपति संभाजी पैदा करती है। अगर हमारी कोख से शिवाजी छत्रपति बाबा साहब फुले साहब पैदा नहीं हो रहे, और अगर दलाल भड़वे चमचे पैदा हो रहे, तो ऐसे बच्चे पैदा करना बंद कर दो, और नहीं तो अपने बच्चों को मूवमेंट बताओ, अपने बच्चों को सभ्य बनाओ, जिस बात के लिए यह पूरा आंदोलन चला
वैसा समाज निर्माण करने के लिए अपने बच्चों को संस्कारित करो। अगर हम आज नहीं कर पाए और हमारे बच्चों को बुद्ध नहीं समझ में आया, फुले शाहू बाबा साहब नहीं समझ में आया, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, साथ में पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। साथियों, पहली जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि बाबा साहब ने पहले हमको कहा, हमको देखकर आदिवासी भी आएगा, हमको देखकर ओबीसी भी आएगा, लेकिन हम पहले एग्जाम्पल सेट करें और इसी बात को हम अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध ले कि हम बाबा साहब को जैसा समाज चाहिए था वैसा समाज बनकर दिखाए। बाबा साहब ने जिस टारगेट को सेट किया था उस टारगेट को, जिस टारगेट के लिए हम काम करें, उस दिल्ली में पहुंचने की बात करें, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम ही बाबा साहब के सच्चे वारिस होंगे। खून का रिश्ता कुछ काम का नहीं होता, विचारों का रिश्ता होता है। बाबा साहब के विचारों को स्वीकार हम कर लेते हैं तो हमसे बड़ा वारिस कोई और नहीं हो सकता। साथियों, इतना ही अपनी बात कह के अपनी बात को विराम देती हूँ। हमको बर्दाश्त कर लिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो आपने हमको सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम, जय भारत।